गामा ओरिजिनॉल फॉर थायराइड इश्यूज, आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हम जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल बहुत सारी बीमारियों पर हमारी मदद करता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, डायबिटीज की समस्या हो, या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे थायराइड की समस्या हो। तो आज हम सिर्फ थायराइड को मद्देनजर रखते हुए इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इस बीमारी पर गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से काम करता है और आखिर इस बीमारी का पूरा इतिहास क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि थायराइड हमारे देश भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर 8 में से 1 माँ को थायराइड की समस्या है। जी हाँ, मैंने महिला शब्द इस्तेमाल किया। ज्यादातर थायराइड की बीमारी जो है वो महिलाओं को होती है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों को नहीं होती, पुरुषों को भी होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि महिलाओं से ये बीमारी जुड़ी हुई है। और उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होती है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे शरीर में होता है, उसकी वजह से ये समस्या हमारे शरीर में पैदा होती है। थायराइड बेसिकली दो तरह का होता है। जो थायराइड नाम की बीमारी है वो दो प्रकार की होती है, हाइपर थायराइड और हाइपो थायराइड। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि हाइपो थायराइड में ओ आ रहा है, जिसका मतलब है मोटा हो। तो हाइपो थायराइड में मरीज जो है उसका वजन लगातार बढ़ने लगता है, बिल्कुल वही दिनचर्या, वही जीवन शैली, लेकिन उसके वजन में वृद्धि होने लगती है, उसके शरीर पर स्वेलिंग यानी कि सूजन आने लगती है, और उसका शरीर बहुत भारीपन उसे महसूस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत एक्टिव जीवन नहीं बिता पाता, एक प्रकार से आलसीपन उसमें आने लगता है। वहीं पर हाइपर थायराइड जो होता है ये बिल्कुल हाइपो थायराइड से उल्टा होता है। हाँ, इसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी का एहसास होता है, क्योंकि इसमें वजन दिन प्रतिदिन कम होता जाता है। इस बीमारी में लोगों का, मरीज का शरीर जो है वो पनपता नहीं है, बढ़ता फूलता नहीं है, दिन प्रतिदिन गिरता जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी आती है और वजन भी बहुत ज्यादा कम मरीज का होने लगता है। थायराइड बेसिकली है क्या? थायराइड हमारे यहाँ गले के बीचों बीच एक ग्लैंड है, जिस ग्लैंड की शेप तितली नुमा है, तितली जैसा दिखने वाला ये गले के बीचों बीच ग्लैंड है, जिसे थायराइड ग्लैंड का नाम दिया गया है। इसके दो काम, हमारे शरीर में T3 और T4 को रिलीज करना। T3 और T4 हार्मोन्स है। तो थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के बीचों बीच है, इसका काम है T3 और T4 को रिलीज करना। सिंपल, इसका काम यहीं तक है। ये जो T3 और T4 है ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा काम आते हैं। T3 जो होता है वो ज्यादा काम आता है, लेकिन जो T4 होता है वो इतना काम नहीं आता। लेकिन क्योंकि हम भगवान के बनाए हुए बुद्धिजीवी हैं, हमारा शरीर अपने आप T4 हार्मोन को T3 में तब्दील कर लेता है, और ये दोनों हार्मोन मिलकर हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस में काम आते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में ये मदद करते हैं, हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को रिड्यूस रखने में ये हमारी मदद करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में ये दोनों हार्मोन्स मदद करते हैं, और किडनी की सेहत के लिए बहुत खास ये दोनों हार्मोन्स हैं। समझ ही गए होंगे कि अगर हमारे शरीर में T3 T4 हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो पूरा शरीर गड़बड़ हो जाएगा, हर एक प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो थायराइड ग्लैंड का सही से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शरीर के बहुत सारे प्रोसेसेस इस ग्लैंड की वजह से सही तरीके से चलते हैं। अब थायराइड ग्लैंड के बाद हमारे यहाँ माथे में बिल्कुल बीचों बीच एक ग्लैंड और है। इस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल माथे के बीचों बीच होता है, जिस प्रकार से थायराइड T3 और T4 को रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH लेवल को रिलीज करता है। TSH लेवल का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये एक क्रिया की तरह चलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज करता है, जैसे ही TSH थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है वो T3 T4 को रिलीज करता है, फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज करता है, फिर से थायराइड T3 T4 को रिलीज करता है, एक सिस्टम के साथ, जैसे सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही होती हैं, बिल्कुल वैसे एक के पीछे एक ये काम रेगुलरली चलता रहता है एक आम व्यक्ति में, जिस व्यक्ति में ये बीमारी नहीं। लेकिन बीमारी कब होती है? बीमारी तब होती है जब हमारा थायराइड ग्लैंड T3 T4 को रिलीज करने से मना कर देता है।
लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पूरी हमारी बॉडी ऑलरेडी भगवान जी ने सेटअप कर रखी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम नेचुरली नॉर्मली करता जाता है, टीएसएच लेवल्स को अपने समय पर रिलीज करता जाता है, लेकिन थायराइड ग्लैंड टीजीटी को तो रिलीज नहीं कर रहा। इसकी वजह से जो टीएसएच हार्मोन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिस सिचुएशन को कहा जाता है कि टीएसएच हाई हो गया और टी3 T4 लो हो। यहाँ पर इस सिचुएशन में आकर एक व्यक्ति को हाइपोथायरॉइड की बीमारी होती है। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हाइपरथायरॉइड और हाइपोथायरॉइड में से ज्यादातर चांसेस जो होते हैं वो हाइपोथायरॉइड के ही होते हैं। हाइपरथायरॉइड बहुत कम किसी किसी व्यक्ति को देखने को मिलता है, लेकिन हाइपोथायरॉइड ज्यादातर लोगों को इस प्रकार की समस्या होती है। तो सिंपल सी बात, जब थायराइड ग्लैंड T3 T4 को रिलीज नहीं करता, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH को रिलीज करता जा रहा है, हमारे शरीर में TSH का जो स्तर है वो बढ़ता जाता है और T3 T4 कम होता जाता है। अब ये तो बीमारी होने की दशा हो गई, कैसे बीमारी हमारे शरीर में होती। एक और आपको इसके सिम्टम्स के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये बीमारी होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता, तो उसके लिए जरूरी है कि इसके सिम्टम्स से हम अवगत रहें। सबसे पहले, अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतना ही काम आप कर रहे हैं जितना आप शुरू से करते आ रहे हैं, फिर भी आप गिरा गिरा सा महसूस करते हैं, थका थका सा महसूस करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ आपकी इम्बैलेंस है। इसके अलावा अगर आपका वजन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है थायराइड की समस्या हो। अगर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा खुश्क है, ड्राई है, इसके ऊपर खुजली हो रही है, तो हो सकता है ये थायराइड की निशानी है। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, देखिए थोड़ा बहुत बालों का झड़ना इज नॉर्मल, लेकिन अगर ये बाल जरूरत से ज्यादा झड़ते हैं तो ये जरूर कोई ना कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं में बहुत नेचुरल सी बात है, उनका जो मासिक धर्म है उसका सिस्टम हिल जाता है। मासिक धर्म का एक साइकिल रहता है 28 दिनों का, 28 दिन बाद फिर से मासिक धर्म शुरू होता है। तो जब वो 28 दिनों का साइकिल बिगड़ जाए, सीधा इशारा है कि कुछ हार्मोनल गड़बड़ शरीर में हो रही है, तो हमें झट से जांच करवानी चाहिए। अगर आप जांच नहीं करवाते, नजरअंदाज कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जाकर ये बड़ी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है, जैसे कि हृदय रोग हो सकता है, अर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स के इश्यू, जोड़ों के दर्द का एहसास हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, महिलाओं के केस में बांझपन का भी सामना करना पड़ सकता है। और हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि 60% महिलाएं जिन्हें हाइपोथायरॉइड है वो अपनी जांच नहीं करवा, वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। आखिर क्यों? यहाँ पर मेरा अनुरोध है इस महिला, इस चर्चा में मौजूद जितने पुरुष हैं, जितनी महिलाएं हैं, कृपया अपना ख्याल रखें। पुरुषों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, अपना भी ख्याल रखें और महिलाओं का भी ख्याल रखें, क्योंकि महिला, जहां तक मैंने अनुभव देखा है, महिला ने हमेशा अपने आप को अपने परिवार से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने बच्चों से पीछे रखा, जानने के बावजूद कि मेरा शरीर सही काम नहीं कर रहा, इसमें कुछ गड़बड़ है, वो तवज्जो नहीं देती, वो ध्यान नहीं देती, डॉक्टर के पास नहीं देती, यही हल्की फुल्की घर की छोटी मोटी दवा खाकर अपना काम निकाल लेती। आपको बताना चाहती हूँ, जांच करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कारण और हो सकता है, वो कारण ये है कि महिला को पता है, देखिए हमारी बॉडी हमें खुद इशारा कर देती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो महिला को कहीं ना कहीं ये पता होता है कि उसका थायराइड हो गया है, क्योंकि उसका वजन बढ़ रहा होता है, उसको एहसास होता है इस बात का, वो इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाती, इसीलिए अपनी जांच नहीं करवाती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर एक बार जांच करवाई तो 100% बीमारी तो निकलनी ही है। अगर बीमारी निकलेगी तो रोजमर्रा दवाई खानी पड़ेगी, रोजमर्रा का खर्चा शुरू हो जाएगा और रोजमर्रा की टेंशन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जरा एक पल रुकिए, थमिए, अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप अपने परिवार को स्वस्थ कर पाए। कह देते हैं, जान है तो जहान है, तो अगर आपने अपने जहान को प्यारा बनाकर रखना है तो अपनी जान का ख्याल जरूर रखिए। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप जांच करवाते हैं तो आपको बेहतर अनुमान लगता है आपके शरीर का। अक्सर बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि जब तक समस्या का ही नहीं पता तो समाधान कैसे होगा।
अगर समस्या का पता लगेगा तभी तो समाधान हो पाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल अपनी जांच करवाइए, टेस्टिंग करवाइए और समस्या को जानिए, परखिए, उसका सामना कीजिए। अगर समस्या का सामना करेंगे तो उसका समाधान डेफिनेटली हो जाएगा। समाधान कैसे होगा? रिसर्चेस पुख्ता सबूत आपके सामने है, साइंटिफिक स्टडीज आपके सामने है, जहां पर देखिए ये रिसर्च कोरिया में हुई थी, जिसमें ऐसे रोगियों को लिया गया जिनका TSH लेवल बहुत ज्यादा हाई था, यानी कि उनको हाइपोथायराइड की समस्या थी। उन्हें रोजाना 300 mg गामोरिजिनॉल की डोजेज दी गई। 300 mg गामोरिजिनॉल की डोजेज देने के बाद उन सभी लोगों को आठ आठ लोगों के ग्रुप्स में बांट दिया गया। हर आठ लोगों के ग्रुप में से 6 मरीजों का TSH लेवल रिड्यूस हो गया गामोरिजिनॉल की प्रॉपर डोजेज के साथ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 80% रिजल्ट गामोरिजिनॉल लेकर आया, TSH लेवल्स को रिड्यूस किया, T3T4 को रिलीज किया। तो जी हाँ, अगर बाय चांस हाइपोथायराइड आ भी जाता है तो गामोरिजिनॉल का रेगुलर डोजेज के साथ आप उसे मात दे सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर गामोरिजिनॉल ये काम करता कैसे है? बड़ा ही अजीब सा सवाल है। कई बार हो सकता है आपको सामने वाला व्यक्ति ये पूछे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है, किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या है, किसी का कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, किसी को माइग्रेन की समस्या है, कोई भी समस्या है, तो गामा ओरिजिनॉल कैसे सब कुछ ठीक कर देता है? उसे क्या पता लगता है कि किसी व्यक्ति के अंदर जाकर किस चीज को ठीक करना है? इतना सिंपल सवाल है, हो सकता है आपको सामने से व्यक्ति पूछे। तो आज आपको यही लॉजिक मैं बताने वाली हूँ कि आखिर गामा ओरिजिनॉल एक ही समय पर 17 प्रकार की बीमारियों के ऊपर काम कैसे करता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे सर के बिल्कुल बीचों बीच हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड, हम कह देते हैं हमारी पूरी बॉडी का हेड ऑफिस हमारा ब्रेन है ना, हमारा दिमाग। अगर मैं कहूं कि आपके दिमाग का भी एक हेड ऑफिस है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। जब आप गामा ओरिजिनॉल का लगातार रोजाना सेवन करते हैं, वो हमारे हाइपोथैलेमस में जाकर एब्जॉर्ब होता है। और ये हाइपोथैलेमस, क्योंकि हमारे ब्रेन का भी ब्रेन है, हेड ऑफिस है, ब्रेन तो पूरी बॉडी को रेगुलेट करता ही करता है, हाइपोथैलेमस स्क्रूटनी करता है पूरी बॉडी की, एक एक अंग को, एक एक प्रोसेस को गौर से देखता है हाइपोथैलेमस। और जब हम बार बार गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, लंबे समय तक सेवन करते हैं, तो ये हमारे शरीर में एक्टिव हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, आपने कई बार देखा होगा किसी स्कूल का, आपको इमेजिनेशन करवाती हूँ, किसी स्कूल में क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, स्कूल बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन बच्चे, अगर किसी कक्षा में बच्चे अध्यापक के कहने के मुताबिक ना चले, जैसा कि थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के कहने के मुताबिक नहीं चलता, T3T4 को रिलीज नहीं करता, तो क्या होता है स्कूल में? क्या होता है जब बच्चे नहीं काम करते? तो टीचर, जो क्लास टीचर होती है, वो प्रिंसिपल के पास लेकर जाती है, और प्रिंसिपल जब डांटता है बच्चों को, तो बच्चों को प्रिंसिपल की बात माननी पड़ती है। उसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड की बात ना मानने पर हाइपोथैलेमस तक ये बात पहुंचती है कि थायराइड T3T4 को रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि थायराइड ने तो पूरी बॉडी की स्क्रूटनी करनी ही है, उसने हर एक अंग को, हर एक प्रोसेस को देखना है, जांचना है, वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हाइपोथैलेमस को अपने आप पता लग जाता है कि थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो उसे झट से ऑर्डर देता है कि T3T4 को रिलीज करो, और थायराइड ग्लैंड को हाइपोथैलेमस की बात माननी पड़ती है, जैसे कि एक कक्षा के बच्चे को प्रिंसिपल की बात माननी। इस तरीके से शरीर में समस्या चाहे कोई भी हो, हाइपोथैलेमस उस समस्या का हल करता है, और गामा ओरिजिनॉल हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है, राइट? तो इस तरह से ये हर समस्या का हल कर सकता है। बहुत सारी साबित हो चुकी हैं और बहुत सारी अभी साबित होनी बाकी है। इसके अलावा डॉक्टर SP बयोत्रा, जो कि सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में चेयरमैन की उपाधि पर आते हैं, उन्होंने पूरे भारत वर्ष को गामा ओरिजिनॉल के लिए एक ऐसा बयान दिया कि पूरा मेडिकल जगत एक बार हिल गए, क्रांति आ गई पूरे मेडिकल जगत में। डॉक्टर SP बयोत्रा ने कहा कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी रिसर्च के साथ इस बात का ऐलान करते हैं कि भारत में जितने भी
हाइपोथायराइड के मरीज हैं उन सब के लिए गामा और रिजोनॉल का सेवन जो है वो लाजमी कर दिया जाना चाहिए, कि गामा और रिजोनॉल इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। ये स्टेटमेंट देने की देर है, बड़े बड़े अखबारों में, न्यूज चैनल्स में ये खबरें बनकर आने लगी। सिर्फ डॉक्टर एस पी बेहोत्रा ही नहीं, डॉक्टर योगेश शर्मा भी, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल जगत का, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल सिर्फ एक बीमारी में नहीं, बहुत सारी बीमारियों में मदद करता है, जैसे कि हाइपोथायराइड में, जैसे कि थायराइड की समस्या में, हमारे कार्डियक के जो मरीज होते हैं, हृदय के जो मरीज होते हैं, उनकी सिचुएशन को बेहतर करने में मदद करता है और डायबिटीज को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये सुनते हैं डॉक्टर योगेश की अपनी जुबान। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. आपसे मेरा आग्रह है कि डॉक्टर साहब की पूरी वीडियो को देखिए फॉरएवर हेल्दी विदिशा चैनल पर। डॉक्टर साहब ने डिटेल में गामा ओरिजिनॉल के बारे में बताया है और अलग अलग बीमारियों के बारे में भी डिस्कशन किया है। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रासूटिकल का दर्जा दिया है। पूरे विश्व में गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे साथियों ने गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करके अपने थायराइड को ठीक किया है, थायराइड को मात दी है और बहुत सारे लोगों की दवाइयां भी कम होने लगी है। आइए सुनते हैं इन सभी सदस्यों की जुबानी कि कैसे इन्होंने अपने शरीर में थायराइड को ठीक होते हुए देखा है गामा ओरिजिनॉल की मदद से। बहुत हैरानी की बात है, इनमें से बहुत सारे सदस्यों के पास इनकी रिपोर्ट्स भी हैं, तो विद रिपोर्ट्स ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करते हैं। बिल्कुल ध्यान से हम इन सबको सुने। हमारे मिसेस को 5 महीने से हम ये ओरिजिनॉल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 ईयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनॉल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनॉल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। नवंबर में थायराइड का पता चला, गामा ओरिजिनल के मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किया तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया है। मैं एक थायराइड पेशेंट थी तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारी सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला। उनकी जो 100 mg दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है, इस समय सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में, 11 साल उम्र था उसका, उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है, जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का पैक अपनी माँ को पर्सनली दिया जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था, वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया, उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे उनका, अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। हमारे मिसेस को थायराइड की शिकायत थी, हमने 2021 के नवंबर से गामा खाना चालू किया,
उसका असर ये हुआ कि थायराइड जो शिकायत थी उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। मेरे फ्रेंड को थायराइड था 2 साल से खत्म, अभी कोई थायराइड का कॉली नहीं ले रहे, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे। थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट्स लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत जो प्रॉब्लम थे मेरे कम हो गए। गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करने से मेरा जो पहला थायराइड का प्रॉब्लम था वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ, मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है, अब मेरी सेहत भी बहुत अच्छी लग रही है। कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड। मैं थायराइड का पेशेंट था, लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज डिटेक्ट हुआ था थायराइड, जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है कि आज थायराइड मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड से कम्प्लीटली बिना दवा छुटकारा पा चुका हूँ। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे साथियों ने थायराइड की समस्या से छुटकारा पाया है गामा ओरिजिनल की मदद के साथ। गामा ओरिजिनल एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक हीरो प्रोडक्ट है, भारत में बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल है, ये आपको सफलता की नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। गामा ओरिजिनल एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% नेचुरल है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का इकलौता इलाज है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो भारत सरकार और गवर्नमेंट और डॉक्टर्स जिसको रेकमेंड कर रहे हैं, जिसका सपोर्ट कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए बहुत सारा टेस्टिमोनियल्स और बहुत सारा लिटरेचर हमारे पास मौजूद है, जिसको पढ़कर आप इसके बारे में अलग अलग रिसर्चेस से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत में सबसे लोएस्ट प्राइस पर मिला, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आरसीएम परिवार को मोनोपोली में मिलता है और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके साथ डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का सानिध्य भी हमें मिलता है। आप सबके सामने एक खास अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ गामा ओरिजिनल कंसिस्टेंसी डबल धमाल ऑफर के बारे में। मुनासिब है कि आप सब इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे कि अगर आप गामा ओरिजिनल की एक पर्टिकुलर सेल को लगातार 6 महीनों तक मेंटेन करके रखते हैं तो आपको आपकी सेल के मुताबिक गामा ओरिजिनल की प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त में मुहैया करवाई जाती है। मेरा आग्रह है इस चर्चा में मौजूद जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, कृपया इस बारे में अपनी टीम के अंदर बात करें और ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट बायर्स को इस डबल धमाल कंसिस्टेंसी ऑफर का फायदा उठाने के लिए उन्हें प्रमोट करें और इसका ये डबल धमाल का ऑफर हर एक व्यक्ति को इसका फायदा उठाना चाहिए। बात करते हैं लाइफस्टाइल प्लान की, कैसे उन्हें अपने दिनचर्या में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति हाइपोथायराइड का मरीज है। सबसे पहली बात, उन्हें नमक बदलना होगा, उन्हें सेंधा नमक का प्रयोग करना होगा। दूसरे नंबर पर उन्हें फ्रिज का ठंडा पानी ना पीकर मटके का ताजा पानी पीना चाहिए। बहुत से हाइपोथायराइड के मरीजों को मैंने देखा है, क्योंकि उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, वो घी का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको अच्छे फैट का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ छोड़ना ही है तो चाय और कॉफी आप त्याग सकते हैं, इसका कोई भी फायदा आपके शरीर को नहीं मिलता। इसके अलावा आपके खाने पीने की आदतों में ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें, पूर्ण अनाज और अच्छे फैट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है कि आपकी डाइट में आपकी जो भोजन है वो आयोडीन से रिच हो, जिंक से भरा हुआ हो, बहुत सारा फाइबर हो उसमें, सीलियम रिच फूड हो आपका, और थायरोसिन जो कि बादाम और केले से मिलता है इससे भी भरपूर आपका भोजन होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके भोजन में गामा ओरिजिनल के कम से कम 300 mg की डोजेज होती है तो ये सोने पर सुहागा होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप थायराइड की दवा के साथ गामा ओरिजिनल का सेवन करवा रहे हैं तो आपको समय दर समय अपनी बीमारी की जांच करवाते रहना होगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि गामा ओरिजिनल का सेवन करेंगे तो बीमारी का स्तर नीचे आएगा। अगर बीमारी का स्तर नीचे आएगा तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाकर अपनी दवा की डोज भी कम करवानी होगी। तो समय पर समय डॉक्टर के पास जरूर जाते रहें। थायराइड के रोगियों के लिए 40 मिनट की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और 20 मिनट की योगा करना भी जरूरी है।